खम्मा गणिसा सुशीला स्टीच चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं करूँगी, ये धागा है, कलरफुल धागा है, ये पिकू करूँगी। तो मेरे पास ये कॉटन के तीन ऊने हैं, तो इस पर मैं कलर मैच बता देती हूँ आपको। ये पचरंगी कलर लिया है मैंने, जो ये पचरंगी कलर मैं इस पर करूँगी। इसमें कलर दे रखा है, दो तीन तरह के कलर है, तो ये मैच हो जाएगा। और बता देती हूँ आपको, और ये कलर है एक, इस पर मैं ये डार्क लाइट ग्रीन है ये कर दूँगी, ये मैच हो रहा है इस पर। तो ये दो ओनों पे तो ये करूँगी, और तीसरा ओना और बता देती हूँ, ये है इस पर ये ब्लू कलर मैच हो रहा है, तो ये ब्लू कलर करूँगी। तो ये ब्लू कलर करूँगी इस सोने पे, ये कलर मैच हो रहा है। इसमें से आप कौन सा भी ले सकते हो, ये तीन चार कलर है, तो मैं इस पर ये ब्लू कलर हूँ ब्लू कलर करूँगी। जो ये रेशम का धागा है, तो मैं अभी आपको पिकू करके बता देती हूँ। इनको मैं साइड में रख देती हूँ, और एक ओना का ही मैं पिकू करके बताऊँगी वीडियो, एक ओना का ही बनाऊँगी, और बाकी ये ओने आपके साथ मैंने शेयर किया है कैसे मैच करना है वो बताया मैंने। खम्मा गणिसा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ जो धागा सेटिंग कहाँ रखनी है। तो ये बड़ी साइज की मैंने यहाँ 4 पे रखी है, ये घड़ी दे रखी है, तो मैं ये बड़ी साइज पे रख रही हूँ। और इसकी धागा सेटिंग यहाँ दे रखी है, तो यहाँ पे है, यहाँ मैं बता रही हूँ आपको। जरी पिकू और धागा सेटिंग में एक ही साइज का पिकू करती हूँ, तो इसको मैं 0 और 1 के बीच में रखती हूँ, ताकि ज़्यादा बड़ा नहीं आए और ज़्यादा बारीक भी नहीं। ज़्यादा बारीक करेंगे तो फिर मशीन चलेगी नहीं, इसलिए 1 और 0 के बीच में रखती हूँ। और ये है घड़ी दे रखी है, ये इसकी सेटिंग यहाँ दे रखी है। आप जैसे साड़ी पे पिकू करो तो थरी पे कर सकते हो, यहाँ से हो जाएगा, ये स्क्रू दे रखा है। तो मैं आपको ये धागा पिकू करके बता देती हूँ। पचरंगी धागा लिया है मैंने, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आपको पिकू करके बता देती हूँ। ये थोड़ा बारीक ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा हल्का सा ये 0 और 1 के बीच में मैंने वो धागा सेटिंग रखी है, वो थोड़ा मैं चेंज करूँगी, क्योंकि ये मशीन चल नहीं रही है, फिर थोड़ा टाइम लगेगा पिकू करेंगे तब। ज़्यादा बारीक तो फिर टाइम लेती है मशीन पिकू करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोना पार्ट के बता देती हूँ। तो यहाँ से मैंने थोड़ी ये सेटिंग के बारे में बताया था आपको, मैं 0 और 1 के बीच में बताया था। तो बारीक ज़्यादा आ रहा है, मशीन चल नहीं रही है, तो मैं ये 1 पे रख रही हूँ। आप भी ऐसे मशीन पिकू करके देख लीजिए, आपको जब मशीन कम ज़्यादा धीरे चले तो आप 1 पे रख देना है, तो मैं ये 1 पे रखा है। इस तरह एक ये कोना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह मशीन चलाना है, मशीन को धीरे चलाना है, फास्ट चलाओगे तो ये धागा टूट जाता है। ये रेशम का धागा थोड़ा नाजुक आता है, तो हमें मशीन को ही धीरे चलाना पड़ेगा। मेरे कमेंट आते हैं कि दीदी आपके मशीन कौन सी है, तो मशीन ये मेरे यही है, नॉर्मल मशीन है पिकू वाली, कोई महंगी मशीन नहीं है, 10 साल पुरानी है, मुझे 10 साल हो गए पिकू करते हुए। तो इस तरह हमें
धीरे धीरे पिकू करना है। ये क्या है कि धागा थोड़ा नाजुक है, कच्चा आता है रेशमी धागा, तो हमें मशीन को थोड़ा धीरे चलाना पड़ता है। तो ये देखिए मैं धीरे चला रही हूँ और एक सार चलाना है मशीन को। और ये देखिए पिकू कितना सफाई से आ रहा है। मैं आपको ओनी के चारों ओर पिकू करके बता दूंगी, कंप्लीट करके बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स पिकू हो चुका है। फ्रेंड्स ये पिकू कर दिया है मैंने, मैं भी आपको समेट के बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये पिकू कर दिया है, जो रेशम का धागा था पचरंगी धागा किया है मैंने इस पर। और ये टूटता बहुत है, थोड़ा मुश्किल होता है। और वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।